नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो ये जॉन डियर 5210 पर है। 5210 फोर व्हील, इसके अगले टायरों की बात करें तो ये अपोलो 9524 के हैं, ये देख सकते हैं आप। बोलो, ये जॉन डियर का 5210 गियर प्रो 4x4 और पिछले टायरों की बात करें तो ये अपोलो 1628 ये देख सकते हैं आप, जॉन डियर 5210 और फोर व्हील 4x4 PTO पावर एस की 31.5 और 42.8 मैक्सिमम, 31.5 और 42.8 और SFCS की 270 198.6, ये देख सकते हैं। और इसमें जो गियर दिए गए हैं ये ABCD और ये क्लच हैं, इंडिपेंडेंट क्लच, और इसमें 12 गियर दिए गए हैं। इसमें 3 गियर हैं, एक रिवर्स और एक पहला, दूसरा, तीसरा, बीच में न्यूट्रल है और एक गियर इसमें और होता है लॉक करने के लिए। ये ट्रैक्टर आगे पीछे नहीं हिलता, दिखाते हैं आपको लगा कर। ये लॉक हो गया ट्रैक्टर, अब इसको आगे पीछे नहीं हिलेगा। ये हैंड ब्रेक का भी काम करता है और ये PTO लीवर है और वही बटन सिस्टम है इसमें हाइड्रोलिक के लिए, अगर टिलर ज़्यादा लग जाए तो एकदम ऊपर उठाने के लिए। ये बटन सिस्टम भी दिया गया है इसमें और डैशबोर्ड एडजस्टेबल स्टीयरिंग होता है इसका, देख सकते हैं आप। इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये ब्रेक पैंडल और ये पैर की रेस एक्सीलेटर, ये क्लच पैंडल, ये डीजल मीटर है, ये स्पीड मीटर, और इसमें जो डिजिटल मीटर है ये इसमें हॉर्स घंटे बताता है, और ये टेम्परेचर मीटर है। और स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग का ये एडजस्टेबल यहाँ पर है और इसको ये खुद ही ऊपर चला जाएगा। देखिए आप, इसको अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी आप सेट कर सकते हैं, ड्राइवर जहाँ उसको कंफर्टेबल लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार भाइयों।